हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अरुणाचल। तो हम लोग है अभी दिरांग में। तो यहाँ हम लोग कल रात को ठहर गए थे, तो लास्ट वाला एपिसोड में देख ही चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ किया हम लोग ने कैंपिंग, दो टेंट लगाया, एक मैं और मनविंदो दा का और उधर दीप और विक्रम का। ओ उठा लेट लतीफ, देखा इसका आग देखो लाल होके सजा हुआ है। तो बहुत मजा आया यहाँ में रात को, रात कैंपिंग करके। इतना खास ठंड नहीं था जितना ऊपर मंडला टॉप में था। यहाँ का वेदर बियरेबल है, लेकिन आज जाएंगे सेला टॉप, वहाँ पे होगा भयंकर ठंड, तो उसका मज़ा लेंगे। तो क्या करना है आप लोग को, लगे रहिए और देखिए कितना कितना स्नो मिलता है, क्या मिलता है, सब कुछ देखने के लिए। सो करते हैं राजस्थान सेकेंड डे का अरुणाचल। तो आज हम लोग रह गए दिरांग के पास। इधर से अगर जाएंगे तो मिलेंगे मंडला टॉप, लास्ट एपिसोड देख चुके हैं तो पता चल ही चुका होगा। तो यहाँ पे किए थे हम लोग कैंपिंग, इनके घर में रहा, कैंप किया यहाँ पे, मज़ा आया। यहाँ पे आके देखिए बहुत मज़ा है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो हम लोग टेंट पिच किया अपना खुद का, 2500 लिया पर टेंट, और खाना वाना खिला खा पी के 2900 समथिंग बिल हुआ, ज़्यादा है नहीं। इको वैली कैंप साइट, तो यहाँ आके रह सकते हैं, मज़ा आए यहाँ पे, बढ़िया। चलते हैं अब, निकलते हैं यहाँ से, अभी जाएंगे सेला पास की ओर, तो जहाँ पे है ढेर सारा स्नो। तो पहुँच गए हम लोग दिरांग। तो ये उधर से है बूंदिला वाला रास्ता, उधर से बूंदिला होके आने से आपको ये वाला रास्ता मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से ले लिया लेफ्ट, जो ये रास्ता लेके जाएगा सेला पास की ओर, बुंदगुस तरफ से होके आए। तो एक अलग रास्ता दिखाया था लास्ट एपिसोड में, जो है शॉर्टकट टू दिरांग। तो काफ़ी शॉर्टकट हुआ था, कितना किलोमीटर हुआ था लास्ट एपिसोड में हम लोग मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, कितना किलोमीटर शॉर्ट पड़ा। तो ये है दिरांग। हेलो गाइस, सो ये ग्रुप है जो मेरा पुराना वाला ग्रुप है, जो तावांग गए थे 2011 ना, 2011 में गए थे। ये था हम लोग नेपाल भी गए थे, तो फिर मिले यहाँ पे दिरांग में आके। तो अभी एक साथ जाएंगे सेला पास तक, है ना, उसके बाद तावांग तक। चलो तो यहाँ रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये है यहाँ, तो अभी खाएंगे यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट रेडी है शायद, हाँ लगी गया परोस गया ब्रेकफास्ट। ये खाएंगे अभी हम लोग, क्या खाने वाले हैं, रोटी, ओ ढेर सारा सब्जी वब्जी कुछ कुछ दिया है ना, मस्त, चलो खा लेते हैं। तो खाना खा के निकल आए हम लोग, अभी जाएंगे सेला की ओर। हाँ देखा आप लोगों ने खाना खाया, पेट भरा नहीं रहेगा तो राइड में करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते हैं और बर्फ का लेते हैं मजा, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। वाले हैं सेला पास और नियर अबाउट 10 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ ऊपर आते ही मौसम सडन चेंज हो गया है, एज यू कैन सी, देखिए पूरा फोग ही फोग हो चुका है और दूर ऊपर से होती ऊपर है बर्फ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऊपर बर्फ होगा तो देखते हैं। लेकिन वेदर देखिए पूरा फोग ही हो चुका है मस्त, और यही है शायद सेला टनल जाने का रास्ता, जो नया सेना टनल बन रहा है, तो मे भी इधर से होगा। देखिए बाइकर्स लोग, ये लोग वेस्ट बंगल के है, ये है सेला टनल, सेला जो टनल है उधर जाने का रास्ता। फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, फिलहाल तो रास्ता है ख़राब। हाँ थोड़ा थोड़ा स्नो है यहाँ पे, पहले बहुत भयंकर स्नो हुआ करता था इस रास्ते पे, अभी स्नो कम हो गया है, तो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं ऊपर जाके स्नो, और 12 किलोमीटर सेला पास के लिए।
घना फोगी हो चुका है यहाँ का वेदर, एज यू कैन सी, और 4 किलोमीटर बाकी है यहाँ से पहुँचने वाले हैं। चलो शुक्र मनाओ के रास्ते पे बर्फ नहीं है, ब्लैक आइस हम लोग को नहीं मिला फिलहाल तक, ये हम लोग के लिए अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता था ये, हो जाता ये सफ़र। फिलहाल तो मजे से कट रहा है ये सफ़र क्योंकि नहीं है ब्लैक आइस। तो ये है सेला लेक, पूरा लेक फ्रोजन है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो निकलते हैं अभी यहाँ से सेला पास से, बहुत सारा फोटो फोटो खींचा, मज़ा आया। हाँ टाइम लेस भी लिया, देखा होगा आप लोगों ने। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा प्लान में है थोड़ा सा चेंजेस, अभी हम लोग जांग की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कैंपिंग करने की कोशिश करेंगे। हाँ देखते हैं अगर कैंप शायद मिलता है, हम लोग रोटेन है ही, तो करके वहाँ ठहर जाएंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे जेमीठान के लिए। देखते हैं क्या होता है, प्लान अभी फुल फाइनल होता है कि नहीं होता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से जाना अभी 39 किलोमीटर है, जबरदस्त है नहीं। और ये सेला लेक देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त। हम लोग जंग, ये है चेक पॉइंट जंग में, यहाँ पे पहले चेकिंग होता था लेकिन इस बार हम लोग को चेकिंग नहीं मिला, तो थोड़ा सा अजीब लगा। ये रहा पुलिस स्टेशन, तो ये आते आते हम लोग को मिल गया मेरा पुराना वाला ग्रुप जो यहाँ में इकट्ठे सब लोग रेस ले रहे थे। तो थोड़ा देर रुका इन लोग के साथ, मस्ती वस्ती किया थोड़ा देर, फिर हम लोग ने डांस वांस किया, बहुत मजा आया, इतने दिनों के बाद मिले इन लोग से, मजा आ गया। फिर हम लोग ने डिसाइड किया इकट्ठे जाएंगे जंग वाटरफॉल, जहाँ में हम लोग इकट्ठे बैठ के मजे लेंगे जंग वाटरफॉल का। तो सब हम लोग निकल पड़े जंग वाटरफॉल की तरफ। तो पहुँच गए जंग वाटरफॉल का रास्ते पे, ये है जंग वाटरफॉल जाने का रास्ता, इधर से हम लोग जंग वाटरफॉल जाएंगे, रुकते हैं बाकी लोग आने देते हैं। तो ये रहा जाम वाटरफॉल, तो यहीं पे एक नदी और ये जाम वाटरफॉल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवी बॉलीवुड का मूवी शूट हुआ था, कोयला नाम का एक मूवी, तो इसीलिए ये वाटरफॉल बहुत पॉपुलर हो गया उसके बाद। लेकिन वाटरफॉल सच में सुंदर है, एक्चुअली ये जाम वाटरफॉल को बोलते हैं नूरानेंग वाटरफॉल, नूरानेंग एक लड़की का नाम है जो यहाँ का लोकल था, जो हम लोग को दिखा जसवंतगढ़, तो उनको बहुत हेल्प किया था इंडो साइना वॉर के समय, तो उन्हीं के नाम पे ये वाटरफॉल रखा गया है। तो देखिए ये वाटरफॉल सामने, क्या मस्त व्यू है, मजा। तो पहुंचे हम लोग जंग वाटरफॉल, ये है नूरानेंग वाटरफॉल, जंग वाटरफॉल भी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए इसका हाइट
बहुत ही सुंदर है यहाँ का नज़ारा है। ये नॉर्निंग वॉट रिवर, तो हाइट देखिए इसका। फिलहाल पानी कम है क्योंकि विंटर है, तो इसलिए पानी कम है। तो ये नदी जो नूरानिंग रिवर है, इसके बगल में हम लोग ने डिसाइड किया कि यहीं पे टेंट का रह करके हम लोग कैंपिंग करेंगे। तो टेंट हम लोग ने बिछा लिया। पानी देखिए कितना स्पीड से बह रही है, मज़ा आ रहा है। तो रात भर यहीं पे ठहर के फिर कल सुबह निकलने का हम लोग ने प्लान बनाया। तो देखिए हम लोग का टेंट ये लग चुका है यहाँ पे वाटरफॉल के नीचे और नदी के किनारे। तो अतिविक्रम और दीप गया है खाना लाने शाम का डिनर, तो आके खाना खा के सो जाएंगे हम। तो ये हम लोग का आज रात का डिनर क्या है? चिकन फ्राइड राइस, चिकन चावल फ्राइड राइस, हाँ, और सूखा चावल भी है, सूखा चावल भी है। और यहाँ पे है पोर्क, चिकन, चिकन फ्राई, वो थोड़ा लेट करके खाएंगे, है ना? बढ़िया। डिनर करने के बाद हम लोग ने लगाया थोड़ा सा आग, लेकिन आ गया बारिश रंग में भंग डालने के लिए। फिर हम लोग ने टेंट के अंदर घुस के सो गए। तो क्या करें, उपाय नहीं है।